महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में गांव होता है। उस गांव के अंदर दो घर होते हैं जो दोनों आसपास ही थे। दोनों घरों के अंदर एक एक लड़कियां थी और एक एक लड़के थे। परिवार पूरे संपन्न थे, पैसों की कोई दिक्कत उनके पास नहीं थी। दोनों लड़कियां हम उम्र की थी, एक का नाम था पूजा और एक का नाम था नेहा। अब पूजा और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ खेला कूदा करती और धीरे धीरे उनकी उम्र स्कूल जाने लायक हो जाती है। अब जैसे ही दोनों परिवार वाले उनकी दोस्ती को देखते हैं तो वो दोनों परिवार वाले मिलकर एक फैसला करते हैं कि इन दोनों को एक ही स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए ताकि इन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। होता है ना, बच्चा जब स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो वो दिक्कत करता है, वो परेशान होता है, जाने के लिए कई बार रोकर जाया करता है। तो वो दोनों परिवार वाले उन दोनों को एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में एडमिशन करा देते हैं। धीरे धीरे वो पढ़ती लिखती हैं और ऐसे ही बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के साथ साथ जैसे ही उनकी उम्र 15 साल होती है तो अपनी हम उम्र की लड़कियों को देखती हैं कि सभी के पास फ़ोन है और वो स्मार्टफोन चलाया करती हैं। इस बात को सोचने के बाद दोनों आपस में बातें करती हैं और कहती है कि हम भी घर वालों से कहेंगे कि हमें भी स्मार्टफोन चाहिए। तो इसके बाद दोनों लड़कियां अपने अपने घर वालों से जिद करने लगती हैं स्मार्टफोन के लिए। और घर वाले भी अच्छा खासा कमाते थे तो वो अपनी बच्चियों की जिद को पूरा कर देते हैं। उन दोनों को स्मार्टफोन मिल जाते हैं और उन स्मार्टफोन को लेकर वो एक दूसरे से चैट किया करती और सभी सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप हैं उन सभी का यूज किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है, उनको स्मार्टफोन लिए हुए लगभग 1 साल हो गया था और 1 साल बाद ही उनकी 12th क्लास में एडमिशन हो जाता है। अब दोनों लड़कियां 12th क्लास में पढ़ा करती, दोनों के पास स्मार्टफोन थे तो जब वह दोनों घर से निकला करती तो एक दूसरे को फोन कर लिया करती कि जल्द से जल्द बाहर आ जाओ और हम लोग स्कूल चलेंगे। इसी तरह से वह 12वीं में पढ़ा करती हैं। तभी जो नेहा होती है उसे पूजा से मजाक करने की सोचती है। अब उस मजाक को करने के लिए नेहा इंस्टाग्राम का एक फेक अकाउंट बनाती है एक लड़के के नाम से और उस पर एक सुंदर सी फोटो लगा देती है और उसके बाद वह पूजा को मैसेज करने लगती है। अब 1-2 दिन तो पूजा मैसेज को देखती नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उस मैसेज को देखती है तो उसमें इंटरेस्ट दिखाती है और अपनी सहेली नेहा को जाकर बताती है। कहती है कि देखो इस लड़के की मेरे पास मैसेज आया है और ये मुझसे बात करना चाह रहा है। उसके बाद नेहा भी उसको प्रोत्साहित करती है और कहती है कि बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम ही तो है, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद पूजा उस फेक अकाउंट वाले लड़के से बात करने लगती है। हालांकि वह अकाउंट नेहा का था और नेहा ही उसे ऑपरेट किया करती थी, लेकिन वह अपनी दोस्त को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देती है। वह सोचती है कि इससे अच्छा वाला मजाक करेंगे और उसके बाद इसे बताएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ पूजा उस फेक अकाउंट वाले लड़के से बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगती है और बातों ही बातों में उसे उससे प्यार हो जाता है। अब ये सभी बातें नेहा को भी पता थी, लेकिन अभी भी पूजा को कुछ नहीं बताती है और इस बात को ऐसे ही चलने देती है। पूजा जब भी मैसेज किया करती वह उसका रिप्लाई किया करती और बात बात पर उसकी तारीफें किया करती थी, क्योंकि दोस्तों नेहा को पूजा की नापसंद और पसंद सभी के बारे में पता था तो उसी तरह का माहौल वो क्रिएट कर दिया करती जैसा पूजा को पसंद था। अब इस बात को देखकर पूजा को वो लड़का बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इसकी सभी आदतें मेरी तरह की हैं और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब उसके बाद पूजा उस फेक अकाउंट वाले लड़के से कहने लगती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, अपना नंबर दो। तो उसके बाद दूसरी तरफ से मैसेज आता है, उसे बताया जाता है कि मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जिस पर मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकूँ। तो उसके बाद पूजा कहती है कि ऐसा करते हैं तो इंस्टाग्राम पर ही कॉल कर लो। वह लड़का बताता है कि मुझे फ़ोन नहीं मिला हुआ है और ये सारे इंस्टाग्राम के जो मैसेज मैं तुम पे करता हूँ ये मैं अपने कंप्यूटर से करता हूँ। अब इस बात को सुनकर जो पूजा है उसे थोड़ा सा तो शक होता है, लेकिन वो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। धीरे धीरे कुछ दिन और उनकी बातें चलती हैं और अब जो पूजा है वो एक दिन अचानक से उस लड़के को प्रपोज कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो नेहा है एक बार तो ठिनकती है, लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, इसके और थोड़े से मज़े लेने चाहिए। उसके बाद दूसरी तरफ से मैसेज आता है, उसे बताया जाता है कि ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। उसके बाद बहुत सारी उनके बीच में बातें होती हैं और बातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। अक्सर जब इंस्टाग्राम पर पूजा चैट किया करती तो नेहा की चैटों को पढ़कर रोने लगा करती और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाया करती। तो उसकी इस हालत को देखकर वो परेशान हो जाती है, वो सोचने लगती है कि अगर मैंने इसे अब बताया तो उसके बाद कुछ गलत भी हो सकता है। इसी चीज को सोचते हुए वह उस फेक आईडी से मैसेज करना बंद कर देती है। अब जैसे ही नेहा ने मैसेज करने बंद किए थे तो उसके बाद पूजा चिड़चिड़ी सी रहने लगती है और कहीं भी उसका मन नहीं लगता है, अकेली सी अपने कमरे के अंदर पड़ी रहती है। अब इस बात को देखकर नेहा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि यह कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। इसी वजह से वे एक और फेक अकाउंट क्रिएट करती है और उस फेक अकाउंट में एक बुजुर्ग व्यक्ति का फोटो लगाती है और पूजा को मैसेज करती है।
उस अकाउंट के द्वारा वह उसको बताती है कि मैं उसका पिता हूँ जिससे तुम बात किया करती थी। तो उसके बाद पूजा उससे बात करने लगती है और उस लड़के के बारे में पूछने लगती है। अब जैसे ही नेहा से पूजा उस लड़के के बारे में पूछती है कि अंकल जी वो काफ़ी दिनों से चैट नहीं कर रहा है, उसको क्या हुआ है, तो नेहा उसके पिता की फेक आईडी से उसे मैसेज कर देती है और कहती है कि बेटा उसका तो एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब जैसे ही ये बात पूजा सुनती है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद उसका कोई मैसेज उस आईडी पे नहीं जाता है जो कि नेहा ने फेक अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। जैसे ही इस बात को देखती है तो नेहा पूजा के पास जाती है, वहाँ पर जाकर देखती है कि फूट कर रो रही है और वह नेहा के गले लिपट कर पूरी बातें नेहा को बताती है। कहती है कि मेरे साथ तो ऐसे हो गया जिससे मैं शादी करने वाली थी वही अब इस दुनिया में नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इस सिचुएशन को देखकर नेहा इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती और वह उसे नहीं बता पाती है कि जिस फेक अकाउंट से तुम बात किया करती थी वो मेरा ही अकाउंट था। इसके बाद नेहा अपने घर चली जाती है, शाम हो गई थी, और दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि नेहा ने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया है। अब ये खबर जैसे नेहा सुनती है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपने आप को भी एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। इधर जो पूजा के माँ बाप थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी को भला ऐसा क्या दुख था जिस वजह से उसने ऐसा किया। तो उनके मन में शंका रहती है और इसी शंका को लेकर वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को पूरा मामला समझाते हैं। पुलिस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वो लोग सोच रहे थे कि कहीं को उल्टी बात तो नहीं है, हो सकता है इस चीज़ को ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही हो और मामला कुछ और हो। तो उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ भी साबित नहीं हो रहा था। अब उसके बाद पुलिस और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है, पूजा के फ़ोन को लिया जाता है। फ़ोन को जब पुलिस अच्छी तरह से चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस पर किसी लड़के के नाम से मैसेज आ रहे थे और उसके बाद उस लड़के के पिता बनकर एक आईडी से और मैसेज आया था। अब जैसे ही पुलिस उन दोनों आईडियो को खंगालती है कि ये आईडी किसकी हैं और किस फ़ोन से इनको बनाया गया है, तो आईपी एड्रेस के थ्रू नेहा के फ़ोन का पता चल जाता है। अब ये बात जैसे ही पूजा के परिवार वालों को पता चलती है कि नेहा ने अपने फ़ोन से मैसेज किए हैं और उन्हीं मैसेजेस की वजह से पूजा ने ये कदम उठाया है, तो वो लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस पूजा को उठा लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या थी। तो नेहा बताती है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैंने तो मजाक में ही इस पर मैसेज कर दिया था और यह उस लड़के से बेइंतहा प्यार करने लगी। मुझे पता नहीं था कि मामला इतना गड़बड़ हो जाएगा, वरना मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं करती। आज मेरी वजह से मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे ही ये बातें सामने आती हैं तो दोनों परिवार वाले बड़े ही परेशान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं उस दिन के बारे में जिस दिन उन लोगों ने उन्हें फ़ोन दिलाया था, क्योंकि अगर वो उन्हें फ़ोन ही नहीं दिलाते तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इस कहानी से आपको सीखना चाहिए कि बच्चों के हाथों में मोबाइल देने से पहले 100 बार सोचें। अगर आपने उन्हें मोबाइल दे भी रखा है तो कई बार ये जांच पड़ताल करें कि वो किससे बात करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लड़का भी नहीं था और उसके प्यार में पड़कर उस लड़की ने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया। और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ अच्छा सीख सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।